点数アプリ見つかった友達のことをどっと愛知県住んでみようと思っていた。で、スペシャルブリンマンのセカタキ T シリーズかロゴケースだ。ये टी सीरीज हरी ऑफिशियल का लोगो कैसे बना है, पर आज के वीडियो में हम सीखेंगे फोटोशॉप का एक पार्ट टू है कि हम हमारे लोगो पे मॉकअप कैसे बनाए। गाइस ये जो मॉकअप होता है ना, ये मतलब लोगो का पूरा एक रियलिस्टिक लुक ला देता है, 3D जैसा रहता। अब यार इसे डाउनलोड कैसे करना और इसका यूज़ कैसे करना मॉकअप का मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर दबा देना, आपको वीडियो पसंद आए शेयर भी जरूर करना। तो सबसे पहले गूगल ड्राइव की लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर डाउनलोड करने के बाद ये जो मॉकअप है, ये रहा हमारा मॉकअप और ये है हमारा लोगो। ये हमने लोगो बनाया था, ये लोगो बनाया था हमने। फिर उसके बाद ये जो इसमें ये जो लोगो मॉकअप वाली जो फाइल है उसे आपको करना है एक्सट्रैक्ट फाइल पे कर देना है ओके। फिर ये फोल्डर बन जाएगा लोगो मॉकअप से। फिर आपको इसको ये फोल्डर पे करना है ओपन और ये जो मॉकअप रहेगा ये कुछ इस टाइप का मॉकअप है। फिर आपको क्या करना है, आपको जो आपका फोटोशॉप है उसे कर लेना है आपको ओपन। अब यह भाई हो तो आप सभी जानते हो कि फोटोशॉप को मतलब थोड़ा तो टाइम लगता है ओपन होने में, उसे थोड़ा टाइम तो लेगा वो। फिर जब आपका जो फोटोशॉप है ओपन हो जाए फिर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके ओपन वाला एक है जैसे फाइल के वहाँ ओपन वाला आएगा, आपको कर देना है ओपन। फिर आपको डेस्कटॉप पे आना है, फिर आएगा लोगो मॉकअप वन, फिर यहाँ पे आ जाना है। फिर ये जो PSD वाली जो हमारी फोटोशॉप की फाइल है एडोब फोटोशॉप, इसे आपको कर देना है ओपन। फिर जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं जो ये वाला जो इसका मॉकअप है ये सही साथ ओपन हो चुका है। फिर हमें हमारा मॉकअप लगाना है इस पर। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको आपको करना है डबल क्लिक। अब जैसे ही डबल क्लिक करोगे ये कैसा हो जाएगा। और हाँ गाइस, हमारा जो लोगो है वो एक ट्रांसपेरेंट टाइप होना चाहिए, जैसे मतलब जो हमारा लोगो है वो तो लग जाएगा क्योंकि ये एक सिंपल टाइप का लोगो है, इसलिए ये लग जाएगा वो भी बिना कोई सी प्रॉब्लम के। मैं लगा के बता देता हूँ आपको कि जैसे कि ये हमने लगा दिया ओके। फिर इसको हमें कर देना है, इसकी लेयर जो है ऐसा आपको कर देना है ऑफ। फिर हमें हमारा लोगो देखना है कैसा लग रहा है। फिर हमें ये जो क्रॉस है इसको दबाना है। फिर यहाँ पे आएगा यस सेव, फिर आपको कर देना है सेव। फिर जैसे कि आप देख सकते हैं सेव हो रहा है और ये भाई आप देख सकते हो कि जो हमारा लोगो है वो क्या लग रहा है, लोगो बहुत ही शानदार लग रहा है, क्या लोगो पे रिफ्लेक्शन आ रहा है। अब यार भाई बहुत लोग बोल रहे थे कि ये जो लोगो मॉकअप वाली जो फाइल होती है उसे सेव कैसे करें फोटोशॉप के। फिर आपको भाई आना है उस फाइल, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा सेव एस, फिर डेस्कटॉप पे आ जाना है। फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लोगो और बस लोगो रहने देता हूँ मैं। और यार आपके ऊपर है कि आपको कौन सी PNG के अगर आप सेव करोगे। PNG में भाई होता क्या है कि बहुत ज़्यादा ही साइज जाता है इमेज का। तो मेरी बात मानो तो आप है ना JPG वाली, ये जो है JPG वाला फॉर्मेट, इसे आप कर देना है सेव। मैं ये वाला फॉर्मेट ही ज़्यादातर लेता हूँ क्योंकि ये जो फॉर्मेट होता है ये बहुत ही कम साइज में अच्छी क्वालिटी देता है। PNG भी अच्छी क्वालिटी देता है पर वो बहुत ज़्यादा साइज ले जाता है, इसलिए आपको कर देना है सेव। फिर आपको ये जो क्वालिटी है इसे आपको कर देना मतलब लार्ज फाइल को कर देना, और मेरी जो क्वालिटी वो है 12 वो मैंने यहाँ पे कर रखा है मैक्सिमम। फिर और ये जो इसको तो आपको नन ही रहने देना है, कुछ पीछे नहीं करनी है। फिर आपको कर देना है ओके। फिर आपको आना है आपके डेस्कटॉप पे, फिर आप डेस्कटॉप पे आओगे और ये आप देख सकते हैं कि भाई इसका जो रिसोल्यूशन है वो है डायमेंशन में 2000x500 इसका रिसोल्यूशन है। फिर जो हमारे जो मॉकअप है वो हमें मतलब मॉकअप जो JPG हमारे जो इमेज है उसे हमें कर लेना है ओपन। फिर यार दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्या रियलिस्टिक दे रहा है, क्या रियलिस्टिक लुक लग रहा है इसे मतलब लोगो बना के।
जैसे ये है ना गाइस, जैसे प्रेजेंटेशन हो गया इंस्टीट्यूट में, प्रेजेंटेशन जैसे कि कुछ प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने में, ये चीज़ें बहुत काम आती है मॉकअप। तो फिर यार दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, और गाइस वीडियो को शेयर जरूर करना, मैं इसी अच्छी बढ़िया वीडियोस लाते रहूँगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।